VSNL के 75 करोड़ रुपए के पब्लिक इशू के साथ ही चालू साल के लिए सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश का सिलसिला पिछले हफ्ते शुरू हो गया। वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 1999-2000 का बजट पेश करते हुए विनिवेश के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इस बेहद लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सार्वजनिक उपक्रमों के इतने कम शेयरों की बिक्री ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही है। आखिर सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाने के प्रति सरकार का ये संकोच क्यों? ये जो डिसीजन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाइवेस्टमेंट है, प्योर डाइवेस्टमेंट, ये फ्रेश इक्विटी नहीं है। और इसमें गवर्नमेंट की जो इक्विटी होल्डिंग है वो ऑलरेडी 53% आ गई है, और एज पर पॉलिसी दे विल नॉट टेक इट बिलो 51%। तो इसमें जो मार्जिन बचा है डाइवेस्टमेंट का वो बहुत कम था, और 1 लाख जो 10 लाख शेयर जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो काफ़ी हैं, मतलब डीमैट मोड में होने के कारण। विशेषज्ञ भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि दूरसंचार और रक्षा संबंधी क्षेत्रों में सरकार को अपनी स्थिति मजबूत रखनी चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन या VSNL हो सकती है कि एक सिक्योरिटी सेंसिटिव एरिया हो, टेलीविज़न हो सकता है कि ये दूरदर्शन ऐसा है, या इस तरह मामला कुछ ऐसे हैं कि जो जहाँ पर थोड़ा टाइम लगे, सिक्योरिटी सेंसिटिव है, बिकॉज ये इसमें कुछ चीज़ें सरकार ये समझे कि हमारे हाथ में रहनी चाहिए, एकदम खुली नहीं छोड़नी चाहिए, नहीं तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। लेकिन समस्या केवल ये नहीं है। विनिवेश आयोग की तमाम सिफारिशों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पूंजी बाजार की परिस्थितियों के कारण भी विनिवेश कार्यक्रम टलता रहा। इंडियन ऑयल और गेल के GDR इशू इन्हीं परिस्थितियों के कारण अभी तक जारी नहीं किए जा सके। हालांकि विशेषज्ञों की नज़र में विनिवेश का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक सरकार कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी की सीमा खास स्तर से नीचे नहीं ले आती। जब तक 50% के नीचे नहीं आएगा, जब तक प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं आएगा, जब तक प्राइवेट सेक्टर वाले लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो ये पार्सली करने से जो इसकी जो जो इसका फायदा देख रहे हैं वो फायदा नहीं पहुंचेगा। हाल ही में सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों के बीच कराए गए एक सर्वेक्षण में भी इसी बात की पुष्टि हुई थी। इस सर्वेक्षण के मुताबिक सरकार को सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 26-49% तक सीमित कर देनी चाहिए। इस सर्वेक्षण के नतीजों के मुताबिक निजीकरण के लिए सार्वजनिक उपक्रम के शेयरों की नीलामी कर देनी चाहिए। सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों की राय में राजनीतिक हस्तक्षेप, अधिक कर्मचारी और ट्रेड यूनियनों के कारण ज्यादातर सार्वजनिक उपक्रम बीमार हो गए हैं। उनका सुझाव है कि विनिवेश आयोग का नाम बदलकर पुनर्गठन आयोग कर दिया जाना चाहिए। हालांकि सरकारी कंपनियों का निजीकरण मात्र इस समस्या का हल नहीं। विनिवेश के बाद सरकार को इन कंपनियों की मॉनिटरिंग यानी निगरानी व्यवस्था मजबूत बनानी होगी ताकि कामकाज में चुस्ती लाई जा सके और इन कंपनियों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। सुबह सवेरे कुमार भवेश के साथ मैं मनोज मलयानिल।